हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाई साहब, सुबह के लिटरली 8 बजे हैं और हल्की हल्की धूप आ गई। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है भाई। मैं घर से निकला था 5 बजे और अब पहुंचा हूँ कॉलेज में। तो भाई क्लास व्लास लेते हैं, 8:30 बजे की क्लास है तो प्रॉपर टाइम पर पहुँचे हैं। और भाई अपना ये आउटफिट है, ठीक है। यहाँ पर भाई ऐसा है अपना, एक बार जाके भाई अपनी क्लास व्लास में बैठते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली क्लास ओवर हो चुकी है एंड भाई वीडियोग्राफी आपको बता रखा है भाई कनाडा के जो रूल्स है। सो लाइक मैं अगर मेरे को वीडियोग्राफी करनी है तो उस वीडियो में अगर किसी की आवाज़ भी आएगी तो मेरे को उस बंदे की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये चक्कर है भाई, इससे बढ़िया फिर मैं क्लास रूम में वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। यहाँ पर अगर आवाज़ वीडियो यू नो कुछ भी किसी भी बंदे का कुछ इन्वॉल्व है तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उसकी परमिशन हो। सो ये अच्छा रूल है, गंदा भी कह सकते हो, क्या आपकी मर्जी हो। सो भाई पहाड़ों पे चल रहे हैं और जंगलों के बीच ये ऐसा रास्ता है और बीच में से एक ट्रेल निकाल रखा है। सो हाँ, तो आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक बार थोड़ा सा चढ़ाई कर लें। सो भाइयों बहुत बढ़िया, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और अभी घर नहीं जा रहा, अभी थोड़ा कॉलेज एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि मेरी 2 क्लासेस है। सो ये वाली भाई 12:30 बजे तक थी और अगली क्लास मेरी होगी 1 घंटे का ब्रेक है, 1:30 से लेके 5:30 तक। सो भाई 4 घंटे की क्लास होती, 8:30 से 12:30 और अब 1:30 से 5:30। सिर्फ आज ये वाली प्रॉब्लम है, बाकी नॉर्मल डेज में हफ्ते में मेरी 3 दिन क्लास होती है और वो सारी होती है 8:30 से 12:30। बस फ्राइडे को 2 क्लास होती है एक दिन में, बाकी जो 2 दिन और है उसमें उस दिन सिर्फ 8:30 से 12:30 ये होके और फिर ख़त्म। सो बाकी दिन तो भाई घर चले जाते हैं डायरेक्ट। और आज थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, 1 घंटा टाइम पास करना पड़ेगा, लाइक एक तरीके का लंच ब्रेक मान लो आप। सो भाई देखते हैं, अभी कॉलेज से बाहर, कॉलेज से तो नहीं, FIC से बाहर जा चुका हूँ और अभी SFU की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं। पीछे से दिखाऊँ आपको, ये जो रास्ता है ये ऊपर जा रहा है, इस पे चढ़ना है और फिर अपना SFU आ जाएगा और ये जो रास्ता है यहाँ से नीचे उतरना है तो अपना FIC आ जाएगा। तो मैं बीच वाले रोड पे खड़ा हूँ। ओके, सो एक बार और ऊपर चलते हैं। और भाई एक्सपीरियंस वाली जो बात थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया था। हमारी ILS की क्लास थी आज एंड गाइस हमने आज क्या क्या किया सोच के देखो, बता दूँ क्या। सो भाइयों आज मैंने कौन सी लैंग्वेज थी, चाइनीज़। आज मैंने चाइनीज़ सीखी, लिखी, लाइक मैम ने, मैं बता दूँ मैम ने टास्क क्या दिया था हमको। हमारी एक तो भाई ILS का होता क्या है वो भी आप समझ लो पहले। ILS भाई एक सब्जेक्ट है जो मेरे पास है एंड उसमें कुछ नहीं है, बस बेसिक नॉलेज मिलेगी कि इंटीग्रेटेड लर्निंग साइंस को समथिंग लाइक दिस है। सो अपना अपनी शरीर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, लाइक अपने आप को मेंटेन कैसे रखना है एंड लाइक प्रॉपर हेल्थ के बारे में है। सो लाइक ऐसा कुछ पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर नहीं है, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ईजी, ईच एंड एवरीथिंग। सो सब्जेक्ट इज़ रियली रियली गुड। और भाई इसमें एक अच्छी बात होता हूँ, पेपर भी नहीं देना इसका, ठीक है, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता। और पर असाइनमेंट्स हैं, सो असाइनमेंट्स आसानी से हो जाते हैं। और भाई इंग्लिश का भी, इंग्लिश वाली क्लास थी मेरी पहली जो उस टाइम पे थी मेरी परसों, ठीक है। अब कल तो जैसे आपने देखा होगा मैं जॉब पे गया था और परसों इंग्लिश वाली थी। भाई परसों वाली ने भी यही बोला है मैम ने कि आपका एग्ज़ाम होगा पर वो ऑनलाइन है और ओपन बुक टेस्ट है वो। सो भाई यहाँ पे पेपर्स का बहुत अच्छा सीन लगा मेरे को, ठीक है। और इंडिया में तो फालतू में वैसा काम है, इतना पढ़ना पड़ता है। बाकी भाई अब एक सब्जेक्ट और रह रहा है, लाइक अब 2 सब्जेक्ट्स की क्लास रह रही है, एक जो आज ही ले लूँगा मैं और दूसरी जो है वो है भाई चक्कर की, वो है मैथ 100 जो है हमारा मंडे को, जो कि मैथ्स सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी। तो देखते हैं कैसी क्या होती है। बाकी हाँ एक्सपीरियंस वॉज भाई बीच में ना डिस्ट्रैक्शन हो जाती है यार,
सो एक्सपीरियंस भाई बहुत ज़्यादा अच्छा था भाई। मैंने आप मैम ने बोला था कि आप अपना ग्रुप बना दिया मैम ने, कि पहले सबसे अपनी कंट्रीज पूछी, फिर भाई इंडियंस। आज लाइक हर जो जो भी क्लास होती है ना मेरी, उसमें हर बार बच्चे शफल होते हैं। लाइक जिस बंदे ने वो कोर्स उस सब्जेक्ट में चूज़ कर रखा है, सिर्फ वही बच्चे आते हैं। तो यूँ डिपेंड नहीं होता कि भाई आज वो फर्स्ट सेम का सेकंड सेमेस्टर वाला बच्चा, वो सीनियर जूनियर सारे एक साथ लेते हैं। जिसके पास भी जो कोर्स हो उस हिसाब से उसे डिवाइड कर देते हैं। सो उस इंग्लिश वाले में मैं बैठा था सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के साथ, और आज वाले में मैंने सेमेस्टर पूछे नहीं है, बट हाँ हर कोई नया बंदा था। तो आज भी मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन मिली, और वो भी लड़की, बट उससे मैंने बात नहीं की है क्योंकि मैं आगे बैठा था और वो कहीं पीछे जाके कहीं बैठी थी, और वो कुछ पंजाबी थी, वो लाइक प्रीत था उसके लास्ट में नाम, आई डोंट नो जो भी था। और बाकी मेरे साइड में दो लड़के बैठे थे, और भाई एक था पुर्तगाल से और एक था भाई चाइनीज़। मैंने आपको बताया बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो भाई उस भाई से मैंने चाइनीज़ सीखी, और दूसरे से मैंने उसकी, अब पुर्तगाल से नहीं टर्की से था वो, उससे मैंने उसकी टर्कीज़ सीखी। भाई टर्कीज़ मुश्किल, चाइनीज़ उससे भी ज़्यादा मुश्किल। तो मैम ने क्या बोला, अपनी मर्ज़ी से ग्रुप बना दिए और सबको बोला कि भाई एक दूसरे की लैंग्वेज लिखो और उसे प्रोनाउंस करना सीखो, और फिर मेरे को बताओ उसका मतलब क्या होता है, और वो भी idioms। सो भाई मेरे को भी था कि लाइक उनको मेरे से भी सीखना था, तो भाई मैंने उनको बता दिया आंखें दिखाना, ठीक है आंखें दिखाना ये एक मस्त idiom मेरे को। लाइक हम उसमें एक रूल हो रहा है इस वाली में, हमने कहा कि भाई नो बुक्स नो फोन्स नो लैपटॉप्स। सो सब कुछ वर्बली समझाती है ये, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और सो लाइक पढ़ाई तो है ही नहीं इस वाले सब्जेक्ट में, इसलिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो भाई फ़ोन वोन में निकाल के कुछ देख नहीं सकता था कौन सा idiom बताऊँ कौन सा, जो दो दिमाग में मैंने वो बता दिया। तो यही वाला सोचा भाई मैंने, यही वाला लगा मेरे को तो बताने लायक, सो मैंने ये बता दिया और भाई उनको सिखाया लिखना, और फिर उन्होंने बोर्ड पे लिखा, मैम को बताया उसका मतलब और ये और वो। और जो दूसरी लड़की थी वो भी इंडिया से थी लाइक पंजाब से, तो उसने दिखाया बताया था ईद का चांद, तो वो भी अच्छा था, पर उस टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं आया, पर ये भी अच्छा है भाई अपनी सब ने। और वो चाइनीज़ ने तो भाई चैंग वून शोन श्री पता नहीं वो शुरू, लास्ट में वो शुरू था, मेरे को तो आखिरी आखिरी वाला शब्द याद है बस, ठीक है। पर जो भी था ओके था, लाइक लिखने में थोड़ा सा मुश्किल था, पर बोलने में सिर्फ दो या तीन वर्ड थे, तो मैंने आसानी से बोल दिया। बाकी चाइनीज़ में पता क्या, ऐसे लाइन्स और डॉट डॉट डॉट्स, सो दैट्स ओके। जो भी भाई सबकी भाषा का रिस्पेक्ट करते हैं हम, अपने सबकी लैंग्वेज एक समान भाई, सब ने अपने उसूलों पे बना रखी है। सो यस, अब भाई ये था अब तक का जो एक क्लास हुई मेरी, अब दूसरी क्लास है भाई मेरी किस चीज़ की। सो दूसरी क्लास है अपनी ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन हेल्थ, ओके। एंड इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बाकी ये भी मेरे को हेल्थ का ही लग रहा है, क्योंकि भाई मेरे पास हेल्थ साइंस है, तो सारी चीज़ रिलेटेड टू हेल्थ ही है। सो लेट्स सी भाई इसमें क्या होता है, जो भी होगा आपको बता देंगे। बाकी अब ऊपर चल रहा हूँ, इधर से ही इधर उधर घूम रहा हूँ जब का। सो ऐसे फ्यू घूमते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, हालांकि घूम चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं सोचा लाइब्रेरी में जाता हूँ और भाई अपने लैपटॉप में कुछ काम वाम करते हैं जो इन्होंने बताया है। तो एक बताया तो क्या है, एक और कोर्स है मेरे पास FIC सेट के नाम से, तो वो एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि भाई आप उसको कभी भी कहीं पे भी उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। लाइक वो एक साल तक होता है, पर उसमें जो भी है, तो अभी मेरे पास टाइम है तो एक घंटा मैं उसको देख सकता हूँ जो भी उसमें है। सो वो वाली क्लास ले लेता हूँ अभी और चलते हैं लाइब्रेरी में। सो भाई ये ऊपर आ चुके हैं SFU में, और आते ही आपको आवाज़ें सुन रही है ना, पता नहीं क्या चल रहा है पर गाने चल रहे हैं भाई, कौन से देश के ये भी नहीं पता, पर इंडियन नहीं है, इंग्लिश नहीं है। और आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, नहीं तो कॉपी ज़्यादा नहीं दिखा सकता, कॉपी लाइट आ जाएगा भाई। इसमें चल रहे हैं और सामने एस्पेस, आई गेस ये रशियन है या फिर पता नहीं कौन सा है, आई डोंट नो, बट यस इट्स गोइंग ऑन। सो भाई पूरा बैंड वैंड भी सेटअप कर रखा है, ठीक है देख लो ऐसे बना रखा है। एंड यस आई फिगर्ड इट आउट, इट वॉज अ स्पेनिश सॉन्ग, स्पेनिश म्यूजिक था। और अब SFU आ चुके हैं, सो गोइंग टू लाइब्रेरी। और उससे पहले आपको अपना बस स्टैंड दिखा दूँ,
वहाँ से इतना आगे आना पड़ता है और भाई कॉलेज के अंदर ही बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड है जो अलग अलग स्टैंड है भाई, मैं जाता हूँ B1 पे और ये भाई पूरा चारों तरफ से विल सी द कैंपस। सो भाई कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, और ग्रेट आज टेस्ला नहीं है भाई, आज तो वो BMW वाली i10 खड़ी है गेटिंग चार्ज्ड। देख लो ये रिचार्ज, और साइड में Hyundai की है, डोंट नो व्हाट, पर शायद आपके इंडिया में भी आ जाए, आपके क्या बल्कि मेरे इंडिया में भी आ जाए। सो जस्ट गोइंग, और सामने आ गई है पॉन्ड, पॉन्ड के साइड में लाइब्रेरी, सो चलते हैं उधर। तो भाई मैं पॉन्ड के पास आ गया था, सोचा आपको दिखाई देता हूँ क्योंकि इसी को क्रॉस करके अपनी लाइब्रेरी आएगी ये अपना पॉन्ड। और भाई यहाँ से आपको कॉलेज दिखाऊंगा कितना ज़्यादा सुंदर है, तो इसमें मस्त रिफ्लेक्शन और लोग अपने छाया में भी बैठे हैं, और सामने कॉलेज देखो भाई बहुत बहुत बड़ा है, चारों तरफ कॉलेज है, बल्कि पूरी माउंटेन पे ही कॉलेज है। और ये रहा वो सबसे बड़ा पीक, उस पर चेयर डाल रखी है, उसके ऊपर भी बैठ सकते हो आप। सो अगर आपको आसमान की ऊंचाइयाँ छूनी है तो आप बैठ सकते हो। और आपको एक बात, अभी मैं इतना ऊपर हूँ कि मेरे से बादल जो होते हैं ना, क्लाउड्स भी नीचे हैं, अगर मैं नीचे देखूँगा तो मेरे को क्लाउड्स दिखते हैं, ठीक है। और आपको नीचे की ब्यूटी भी दिखा देता हूँ, देखो। और अभी हम चल रहे हैं सामने उधर, बाकी उस वाले ब्लॉक में मैं कोई काम नहीं। और लाइब्रेरी है भाई जहाँ पैसे फिल करके ना, उसके लेफ्ट साइड में, और हम अभी उधर ही चलेंगे। सो ये बीच में वैकेशन वाला सिस्टम है, अगर आपको इंजॉय करना है तो। सो ऐसा अपना कॉलेज। सो भाई पहुँच चुके हैं लाइब्रेरी एंड लेट्स स्टडी। सो भाई लाइब्रेरी से निकल चुके हैं दोबारा, और अब आपसे मिलते हैं ये वाली क्लास में लेके बाहर। सो भाई फाइनली क्लास ओवर हो गई है और हेडिंग बैक टू होम। भाई ये वाली थी अपना मेजर सब्जेक्ट, तो इसने लिया सबसे ज़्यादा टाइम, और बल्कि वैसे 5:30 बजे ख़त्म होनी चाहिए थी और ये ख़त्म हो गया 4:30 बजे, पर ठीक था भाई। बाकी सारे में मैं आपको बताऊँ, 2-2 घंटे में सारी ख़त्म हो रही थी, बट इसने ज़्यादा टाइम लिया है। बट हाँ, इट वॉज माई मेजर सब्जेक्ट, और दैट सब्जेक्ट इज़ द ग्लोबल परस्पेक्टिव्स ऑफ हेल्थ। सो उसने लाइक डिजीज़ और ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया था आज, और तो ठीक था भाई, बाकी ईजी है ओके। और पर इसके रूल्स भी ऐसे ही हैं, बताऊँ, एक तो यार ये पहाड़ चढ़ना पड़ता है बार बार, ऊपर जाके बस मिलेगी। हाँ सो पहले आपको बात बताता हूँ, फिर इसको एंड करूँगा। तो उसने बताया कि हर हफ्ते क्विज़ होगी, यानी और वो भी क्विज़ ऐसी है कि जो उसने क्लास, उसका फ़ायदा है वैसे हमें कि जो भी उस दिन उसने क्लास में पढ़ाया उसी दिन उसी टाइम पे, लाइक हमारे पास 3 घंटे होंगे, 8 बजे तक क्विज़ है। सो आपको अपने हिसाब से वो देनी है, और उसके बाद 5 क्वेश्चंस होंगे उसके, और 5 मिनट्स होगी, और क्वेश्चन को आगे पीछे नहीं कर सकते, अगर एक बार आगे कर लिया तो वो कर ही दिया। सो इट्स ओके, बाकी देखते हैं भाई। सो हेडिंग टू द बस। सो भाई बस स्टैंड आ चुके हैं। सो भाई अब पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पे, एंड कर देते इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और बाय बाय।